नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम दो कार्यक्रमों में शामिल होंगे और क्षेत्र को कई परियोजनाओं का सौगात देंगे। खास बात यह है कि पीएम मोदी वाराणसी में रोपवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इसके निर्माण के साथ ही वाराणसी देश का पहला शहर होगा जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया जाएगा। आज है विश्व क्षय रोग दिवस, जिसे टीबी कहा जाता है। इस दिवस का उद्देश्य टीबी जैसे गंभीर बीमारी से लोगों को जागरूक करना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करेंगे। आज से 26 मार्च तक कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान वे विभिन्न बैठकों के साथ कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज से शुरू हो रहा है मुसलमानों का पवित्र रमजान महीना, जहां आज सुबह सहरी के बाद पूरे दिन लोग व्रत रखते हैं और शाम में इफ्तार के बाद खाना खाते हैं। इस्लाम में इस महीने का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है और माना जाता है कि इसी महीने पवित्र आसमानी कुरान धरती पर आया था। आज है सीआरपीएफ और असम राइफल का स्थापना दिवस। इस अवसर पर सेना द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है, जिसके मद्देनजर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर का दौरा करेंगे और जिला प्रशासन और कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग द्वारा किए जा रहे 2 दिवसीय मेगा रोजगार शिविर का शुभारंभ करेंगे। श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने को लेकर आरएसएस आज से हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रही है। नवरात्रि पर व्रत करने वाले व्रती कुट्टू के आटा से बने भोजन करते हैं, लेकिन कुट्टू के आटा खाने से एक दिन में 400 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। जहां हरियाणा में 300 से ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में 50 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। वहीं आटा बेचने वाले दुकानदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बिहार बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का कमान सौंप दिया है। चौधरी बिहार में लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वे विधानसभा में अभी प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका में भी हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने शुरू किया मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान। केजरीवाल बोले, अगर मोदी जी पढ़े लिखे होते तो नहीं होती नोटबंदी। शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता के साथ शिरोमणि प्रधान सुखवीर सिंह बादल ने अपने गांव बादल में विशेष बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार भले ही उन पर जितनी मर्जी झूठे केस दर्ज कर लें, लेकिन बादल परिवार पंजाब के विकास के लिए हमेशा काम करता रहेगा। गुड़गांव में नोटिस के बाद भी सुखवीर कटारिया ने नहीं खाली की सरकारी जमीन, सख्त कार्रवाई की मिली है चेतावनी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रांची को दी एक और रिंग रोड की सौगात, बोले ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के समर्थन में रायपुर में निकली रैली, मुख्यमंत्री बघेल ने जांच के दिए आदेश। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में धीरेन्द्र शास्त्री के शिष्य ने लगाया दरबार, बागेश्वर धाम जैसे ही लिखा पर्चा और दिया समाधान का उपाय। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एगलेस बोलकर बेचे जा रहे थे केक, निकले अंडे के छिलके, बेकरी का लाइसेंस प्रशासन ने किया निलंबित। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के काले कमाई से टीवी चैनल खोलना चाहता था अयनशील, करीब 100 करोड़ रुपए के निवेश की थी योजना। मुंबई में जमानत पर छूटा एक हिस्ट्री सीटर फिर हुआ गिरफ्तार, चोरी का ऑटो रिक्शा बेचने की फिराक में था आरोपी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए सी प्लेन सेवा हुई बंद, जिसका पीएम मोदी ने साल 2020 में किया था उद्घाटन। राजस्थान में निजी अस्पतालों की हड़ताल जारी है, जहां चिकित्सकों ने काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सुल्तानपुर के विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह का कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र स्थित उनके आवास पर हुई, जहां उन्होंने फरियादियों की फरियाद सुनी और उसके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। महुआ के गुरहरी में नवनियुक्त चौकी प्रभारी विनोद सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ निर्माणाधीन राहुल महाराज के मकान के पीछे जुआ खेल रहे 8 लोगों को गिरफ्तार किया।
तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।